हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार यहाँ पर इस वीडियो में अगर आपको रिव्यूअर कम एक फैन ज्यादा नजर आए तो इसमें आप लोग शॉक मत रहो, क्योंकि महेश बाबू सर का मैं बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। मैं क्या कहूँ यार आप लोगों से, रजनीकांत सर, कमल हसन और चिरंजीवी, इन तीनों एक्टर्स को अगर आप लोग साइड में रख दो तो महेश बाबू उन एक्टर्स में से एक है जिनकी मूवीज मैंने बहुत ज्यादा देखी है। और जब 2008 में वांटेड सलमान खान की मूवी रिलीज हुई थी, और उससे पहले मैं इतनी साउथ की मूवीज नहीं देखता था, पर जो बड़े एक्टर्स हैं उनकी ही मूवी देखता था, वो भी हिंदी में आती थी तब, मैं उनकी लैंग्वेज में भी नहीं देखता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि सलमान खान सर की ये मूवी भी रीमेक है एक साउथ की मूवी का जिसमें हमें नजर आया था महेश बाबू, तो पहले मैंने वो मूवी देखी और वो मूवी देखना क्या था, उसके बाद मैंने कंटिन्यू उनकी सारी मूवीज देखी भाई। मैंने उनकी पुरानी मूवीज भी देखी और तब से लेकर आज तक यानी 2021 तक उनकी कोई भी मूवी मिस नहीं करता, और उनके लिए अपने दिल में एक अलग ही रिस्पेक्ट है। और आज उनका बर्थडे, तो यार हैप्पी बर्थडे महेश बाबू सर। खैर अब बात करेंगे उनकी अपकमिंग मूवी सरकारू वरी पाटा, जिसका एक टीजर उनके बर्थडे के मौके पर रिलीज हुआ। ये क्लासिक महेश बाबू है, देखो एक तरफ दूसरे एक्टर्स ये वो फलाना ढमाका, लेकिन अपने महेश बाबू, उनको पता है कि जो उनकी ऑडियंस है उनको किस चीज में पसंद करती है, और वही अंदाज में, वही अपने क्लासिक अंदाज में महेश बाबू अपने अपकमिंग मूवी सरकारू वारी पाटा में नजर आएंगे। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, और मूवी के आपको टीजर में ही एक गजब का डायलॉग सुनने को मिलता है अपने महेश बाबू के अंदाज में। और महेश बाबू सर के लिए एक और चीज मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पर मैं उनकी तारीफों के पुलने लगा रहा हूँ, लेकिन इस बात से तो बहुत सारे लोग सहमत हो गए कि वो जितना अपनी लाइफ में यानी कि अपनी एज में बढ़ते जा रहे उतना ही वो पीछे आते जा रहे। लोग जब उम्र में बढ़ते हैं तो वो ओल्ड लगने लगते हैं, लेकिन ये भाई तो यंग लगने लग रहे। तो इसके पीछे का राज क्या है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना अगर आप लोगों को पता है तो। जो मिले गजब की कॉमेडी देखने मिलेगी, और महेश बाबू के फेवरेट को स्टार यहाँ पर वेनिला किशोर भी नजर आते हैं, और टीजर में आप वेनिला किशोर का जो एक्सप्रेशन देखोगे ना, वो एक्सप्रेशन ही आपको हंसाने पर मजबूर करेगा। और उसके अलावा कीर्ति सुरेश भी हमें नजर आती है इस पर्टिकुलर मूवी में। अब देखते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी 2022 में जब ये मूवी रिलीज होगी तो ऑडियंस को कितनी पसंद आती है। और मैं यार इस मूवी से चाहता हूँ कि यार वो भी अपनी मूवी को हिंदी में रिलीज करे, जो कि कभी नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, लेकिन इसका एक रीजन मेरे हिसाब से मैं दे देता हूँ आप लोगों के, महेश बाबू उन एक्टर्स में से एक है जिनकी मूवीज उनके ही रीजन में इतनी ज्यादा चल जाती है, इतनी ज्यादा चल जाती है कि उनको घंटा हिंदी में रिलीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको ये भी पता है, कोई बेवकूफ भी बता देगा कि उनकी जो हिंदी डबिंग वाली मूवी होती है वो इतना हिंदी ऑडियंस देखती है कि जितना कोई एक्टर की आज की तारीख में नहीं देखती होगी। मैं यहाँ पर दूसरे अल्लू अर्जुन की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, अल्लू अर्जुन को बीच में मत लेके आना, क्योंकि अल्लू अर्जुन आज की जो यूथ ऑडियंस है उनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन महेश बाबू एक एवरग्रीन एक्टर है, क्लासिक एक्टर है जो हर किसी को पसंद आते हैं। तो अब शायद इस मूवी से वो लोग ये भी स्टार्ट करते कि भाई उनकी जो भी मूवी है उसको भी वो हिंदी में रिलीज करते, एक बार चांस लेके देखो। मैं यहाँ पर आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जितने भी महेश बाबू सर के जो फैंस जो हिंदी मूवीज देखते हैं वो डेफिनेटली जाके उनकी मूवी थिएटर में देखेंगे, और मैं भी उनमें से एक होऊंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आपके फेवरेट स्टार को बर्थडे विश करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बाकी आपको क्या लगता है सरकारू वारी पट्टा मूवी के बारे में, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।